जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते। साथियों, आज बात कर लेते हैं आधी अधूरी इच्छाओं की। आज बात कर लेते हैं वो दबी हुई विशेष की जो आपकी किसी भी वजह से पूरी नहीं हो पा रही है। उन इच्छाओं की बात कर लेते हैं, उन सपनों की बात कर लेते हैं जिन्हें आपने देखा और देखकर छोड़ दिया कि ये तो हमारा कभी पूरा नहीं होगा। ऐसे अधूरे सपनों की आज हम बात करेंगे एक बहुत पावरफुल उपाय लेकर मैं आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं आज बात कर रही हूँ फुलफिल योर विशेज। आपकी विशेष को फुलफिल करने का ऐसा क्या एक उपाय हो सकता है, ऐसा एक क्या महा उपाय हो सकता है, ऐसा एक क्या रामबाण उपाय हो सकता है, ऐसा क्या पावरफुल एक कार्य हो सकता है जिसमें हम अपने घर में रहकर ही अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं प्रतिदिन मंदिर नहीं जा सकते हैं, घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, हम क्या करें? तो ये भी आपकी विश पूरी होगी कि आपके घर जाने की परमिशन नहीं है। बहुत साधारण काम है, बहुत सिंपल काम है, लेकिन उसके अंदर तड़का आपको विश्वास का खुद लगाना है। उसमें विश्वास की मजबूती आपको लेकर आनी है, उसमें श्रद्धा की मजबूती आपको लेकर आनी है। करना क्या है, बिल्कुल सिंपल सा, आपको एक प्लेन पेपर लेना और ग्रीन कलर का पेन लेना है। ये देखिए पूरा भरा हुआ है, एक प्लेन पेपर ले लीजिए, ग्रीन कलर का पेन ले लीजिए। क्या लिखा है मैंने, आप पेपर पे भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखना है शुक्राना शुक्राना शुक्राना, 3 टाइम लिखिएगा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, यानी कि उस प्रभु का शुक्राना जिसने हमें ये जीवन दिया और जो हमारी अब इच्छाएं हैं इन्हें वो पूरा करेंगे। इसलिए एडवांस में शुक्राना, यानी कि पहले से ही शुक्राना। फिर आपको क्या लिखना है, प्रेजेंट में लिखना है मनी प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने लिखा है मनी प्रॉब्लम सॉल्व, सबसे ऊपर मैंने लिख दिया मनी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपकी मनी की कोई प्रॉब्लम है तो वो मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर आप लिख दीजिए हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व, एजुकेशन प्रॉब्लम सॉल्व, है ना, लव प्रॉब्लम सॉल्व, मैरिज प्रॉब्लम सॉल्व, सर्विस प्रॉब्लम सॉल्व। जो भी आपकी, जैसे आप मान लो सपोज आप गर्ल हैं और आपका ये मन है कि मतलब शादी योग्य आप हैं इस समय और आपको ये चाहते कि चाहती हैं कि मेरा जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे मिले, तो आप लिख दीजिए उसका नाम लिख के ब्रैकेट में लव प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, अगर आप ऐसा भी नहीं है, कोई पार्टनर आपने देखा भी नहीं है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि लाइफ में मुझे ऐसा पार्टनर मिले, तो आप वो भी लिख सकते हैं कि मेरे को इस तरह का पार्टनर मिले वो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ट्रांसफर प्रॉब्लम सॉल्व, कंपटीशन क्रैक नहीं हो रहा है, कंपटीशन प्रॉब्लम सॉल्व। सारी प्रॉब्लम, आप जितनी भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है सारी की सारी प्रॉब्लम देखिए कागज पर ऐसे लिख दीजिए ग्रीन पेन से, प्रॉब्लम सॉल्व, आपको प्रॉब्लम सॉल्व लिखनी है। अगर आप इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं किसी वजह से तो आप अपनी समस्या लिखिए, मेरी ये समस्या दूर हुई, मेरी ये समस्या दूर हुई, मेरी ये समस्या दूर हुई, जो भी कुछ, धन की समस्या दूर, व्यापार की समस्या दूर, विवाह की समस्या दूर, प्रेम की समस्या दूर, समझ गए, किसी भी तरह लिखिए। उसके बाद फिर नीचे आपको लिखना है शुक्राना शुक्राना शुक्राना, 3 बार ऊपर शुक्राना शुक्राना लिखा है, 3 बार नीचे लिखना है शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अगर आप ये इस तरह से एक पेपर आपने बना लिया, सपोज आपने एक बारी में 8 विशेज लिखी या 7 विशेज लिखी, समझ रहे हैं, इनको लिख लिया, उसके बाद आपने इसको पेपर को फोल्ड कर लिया, जितनी विशेज लिखी हैं उतने फोल्ड कर लीजिएगा, ये 4 फोल्ड हो गए, ये 8 फोल्ड हो गए, 10 हो गए, जितनी भी एक पेपर पे आए। बहुत बड़ा पेपर नहीं बनाइएगा ना, शुरू में थोड़ा ही बनाइएगा, 5-7 विशेज लिख दीजिए बस, ये बना दिया। और आपने जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो, जिस भी प्रभु को आप मानते हो, जिन गॉड को आप मानते हो, जिनकी आप प्रतिदिन पूजा करते हो घर में, उनके चरणों में इसको रख देना नीचे की तरफ, जैसे ये वो मूर्ति या प्रतिमा है उसके नीचे आपने इसको रख दिया। 15 दिन मात्र, किसी भी दिन से प्रारंभ कर लेंगे, पीरियड सूतक पातक में नहीं करेंगे। आपने इसको रख दिया 15 दिन मात्र, सुबह शाम केवल पूजा करेंगे आप, जो आप पूजा करते हैं, और हर दिन पूजा करने के बाद पहले पूजा करेंगे, पूजा करने के बाद बोलेंगे शुक्राना प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी हुई, शुक्राना प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी हुई, शुक्राना प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी हुई।
दोनों समय की पूजा में आपको यही बोलना है, शुक्राना प्रभु मेरी इच्छा पूरी हुई। ठीक है, उसके 15 दिन में, 15 दिन पूरे, सपोज आज आपने फ्राइडे में किया, थर्सडे में किया, वेडनेसडे में किया, संडे में किया, किसी भी दिन किया, जहां तक वो संडे वैसे अवॉइड कर दीजिएगा, ठीक है, फिर भी अगर आप वर्किंग है और घर में रहते तो संडे में भी कर सकते हैं। जिस दिन आपने किया उस दिन का एक सप्ताह छोड़ के अगले सप्ताह 15 दिन पूरे होने पर सेम डे सेम टाइम आप ये सुबह भी कर सकते हैं शाम भी। अगर आपने ये उपाय सुबह किया है तो ठीक 15 दिन बाद सुबह उसी दिन आप वहां से फिर पूजा करेंगे, फिर वही बोलेंगे शुक्राना प्रभु जी मेरी इच्छा पूरी की, शुक्राना प्रभु जी मेरी इच्छा पूरी की, और इस पेपर को ले जाएंगे उठाकर किसी विशालतम प्राचीन वृक्ष, चाहे वो किसी भी चीज का पेड़ हो, बहुत बड़ा पेड़ हो, किसी भी चीज का पेड़ हो, उसमें थोड़ा सा खोद कर इसको दबा देंगे। अब आपने इसमें जो इच्छाएं लिखी थी, आपको ये मालूम है कि उसमें से मेरी कोई एक इच्छा सोल्व होने लगी, एक प्रॉब्लम जो है मेरी वो सोल्व होने लगी है, मेरी इच्छा पूरी हो रही है, प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, कोई भी एक प्रॉब्लम जो जिसका सोल्यूशन आपको मिलना प्रारंभ हो गया है, उसे छोड़कर बाकी जो आपकी आधी अधूरी है फिर उन्हें दोबारा बना लीजिएगा पेपर को, फिर वो ये सब लिखिएगा जो भी, बस वो एक छोड़ दीजिएगा जिसका समाधान आपको मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, फिर आप फिर ऐसे ऐसा ही एक पेपर बनाइएगा ग्रीन पेन से, फिर वही सब लिखिएगा, उसे छोड़कर बाकी सारी विषय लिखिएगा, फिर 15 दिन पूजा कीजिएगा, फिर 15 दिन बाद किसी अन्य पेड़ के नीचे उसको दबाए आएगा, एक इच्छा पूरी हो जाए उसको हटा के बाकी लिख दीजिए। है ना कितना मैजिकल वो रेमेडी, बहुत जबरदस्त चमत्कारी उपाय, एक बोलूं महा चमत्कारी महा पावरफुल उपाय है। मैं सदैव आपको एक बात बोलती हूँ कि भगवान की पूजा स्वयं करिए, मंत्रों का उच्चारण स्वयं कीजिए, व्रत नहीं कर पाते हैं तो साधारण पूजा कीजिए, 1 घंटे नहीं कर पाते हैं तो 10 मिनट करिए, 24 घंटे में 10 मिनट तो उस प्रभु को दीजिए जिसने हमें जीवन दिया है, जिससे हम बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं कि हमें ये मिले, हमें वो मिले लाइफ में, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, हम बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं, तो उस प्रभु को 24 घंटे में से 10 मिनट भी नहीं दे सकते जिस प्रभु ने हमें 24 घंटे दिए, कितने सारे साल दिए हैं, सोचो गहराई से, सोचो इस बात की गहराई में जाओ कि जिस प्रभु ने जीवन दिया, इतने सारे साल दिए, कुछ कमियां अगर हमारी रह भी गई हमारे जीवन में, ये हमारी प्रारब्ध भी तो हो सकती है, तो हम उन्हीं प्रभु की फिर से पूजा करें, उन्हीं प्रभु के सामने फिर शुक्राने करें, घड़ी घड़ी शुक्राने करें, सिर झुका झुका कर शुक्राने करें, तो हमारे प्रारब्ध भी बदल सकती है, हमारे जीवन में जो कमियां हैं वो भी दूर कर देंगे, बस शुक्राने करते रहिए और अपने काम बनते चले जाएंगे। प्रभु पर विश्वास रखिए, आज नहीं बनेगा तो कल तो जरूर बनेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो निश्चित 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 आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी, बहुत अच्छी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए। देखिए आपकी जो एक लाइक होती है ना, आपका तो सिर्फ एक लाइक का बटन प्रेस करना होता है, लेकिन हमें उससे ना हम बहुत मोटिवेट होते हैं, हमें उससे बहुत हौसला मिलता है। मैं आपके लिए एक से एक अनेक नए से नए प्रभावशाली उपाय लेकर आने का प्रयत्न करती हूँ जो आपके जीवन को सफल बना सके, आपके जीवन की परेशानियों को दूर कर सके, आपके जीवन को खुशहाल बना सके। तो इसलिए लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट भी करिए, कमेंट में लिखकर बताइएगा किस किस को ये उपाय बहुत अच्छा लगा, कौन कौन ये उपाय करने वाला है, और 15 दिन बाद जरूर बताइएगा कि हमें इस उपाय से क्या बेनिफिट हुआ, हमने फिर दोबारा भी बनाया कि नहीं बनाया। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला, क्योंकि सबकी बहुत सारी विशेष होती है, कितना अच्छा हो कि ईश्वर सबकी विशेष पूरी करे। और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करें।